हेलो एवरीवन, और आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ वेज बिरयानी दिखाने जा रही हूँ, जो एकदम यूनिक रेसिपी है और मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आता है। आप लोग भी बनाए खाएं और सबको खिलाएं। ये मैं यहाँ पे सोयाबीन बॉयल कर रही हूँ पानी में, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। इसे मैं 5 मिनट बॉयल करूँगी और बॉयल करने के बाद फिर मैं इसे ठंडे पानी में डाल करके पूरा अच्छी तरह से धो करके इसका जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा उसे मैं स्क्वीज़ करके निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं दूसरे भगोने में पानी चढ़ा दी हूँ। पानी गर्म होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी मतलब ज़रूरत के अनुसार चावल लिया है और चावल को मैं डाल दी हूँ। चावल यहाँ पे ये गोविंद भोग चावल से ही ये रेसिपी बनेगा और किसी चावल से ये रेसिपी नहीं बनेगा। आप लोग गोविंद भोग चावल या कामनी चावल जिसे बोलते हैं उसे ही ले, जिससे कि खीर बनाई जाती है, खुशबू वाला चावल। और ये रेसिपी बासमती चावल से कभी ना बनाएं, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और चावल को सिर्फ मैंने नमक डाल के ही उबाला है, अदर्स मैं कोई भी गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं की हूँ यहाँ पे। और चावल मेरा बॉयल हो रहा है, तब तक हम लोग मसाला तैयारी कर लेंगे इसका। और इस रेसिपी में मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ लगेगा, फिर भी कुछ लगने से चाइनीज़ कुछ बना सकते हैं आप लोग साइड डिश के लिए। लेकिन ये झटपट बनने वाला बहुत ही यम्मी और बहुत ही डाइजेस्टिव एक रेसिपी है जो शायद सबको पसंद आए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ अदरक। अदरक को मैं फाइनली चॉप करूँगी क्योंकि इस रेसिपी में अदरक, प्याज और कच्चा मिर्च मतलब हरी मिर्च ही पड़ेगा। लेकिन हरी मिर्च मेरे घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है तीखा, इसलिए मैं नहीं डालूंगी इस रेसिपी में। और आप लोग देख ही पा रहे हैं अदरक को मैं फाइनली कितना चॉप्ड की हूँ, मतलब कि एकदम चॉप्ड कर ली, क्योंकि मुंह में पड़ने से अच्छा नहीं लगता और बच्चे विशेषकर पसंद नहीं करते हैं अदरक, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अदरक थोड़ा और ज़्यादा डालने से ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर प्याज को मैं बारीक चॉप कर ले रही हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हैं, जितना बारीक चॉप कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और इस रेसिपी का यही खासियत है कि इसमें जितना प्याज डाले उतना ज़्यादा टेस्ट होता है। मैं जितना प्याज काट सकी हूँ उतना काटी हूँ, और ज़्यादा प्याज डालने से इस रेसिपी में और भी ज़्यादा टेस्ट होता है। मतलब ये प्याज का ही रेसिपी है और काफ़ी लाइट में मतलब काफ़ी डाइजेस्टिव एक रेसिपी है, बहुत ही अच्छा। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और अपना मतलब कैसा बना कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो शायद आप लोग पहले कभी नहीं खाए होंगे। और यहाँ पे सोयाबीन को मैं 4 टुकड़ों में काट ले रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख पाए। और यहाँ पे चावल मेरा बॉयल हो चुका है, उसे मैं स्ट्रेन आउट कर ले रही हूँ। और कामनी चावल एक ऐसा चावल है जिसे मतलब बॉयल करके ढक के रख दिया जाए तो जो एक्स्ट्रा पानी रह जाएगा चावल में वो एब्जॉर्ब कर लेगा चावल, मतलब ये चावल काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है। तो चावल को हम लोग को ज़्यादा कड़ा भी नहीं उतारना है, ज़्यादा नरम भी नहीं उतारना है, चावल को हम लोग को ठीक ठाक ही उतारना है। कड़ा उतारने से भी फिर वो टेस्ट नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमें चावल टोटली डन कर लेना है इस चावल को। और यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं प्याज और अदरक दोनों को एक साथ ही मैं डाल दी हूँ। रिफाइंड ऑयल मैं गरम की हूँ और इस रेसिपी में ऑयल में कंजूसी करने से नहीं चलेगा। इस रेसिपी में आप लोग जैसा कि स्टार्टिंग में ही देखे होंगे मैंने यथेष्ट परिमाण में ऑयल डाला है और ऑयल में ही बनेगा ये रेसिपी, रिफाइंड ऑयल में और किसी भी ऑयल में नहीं बनेगा। और प्याज आप लोग देख ही पाए हैं प्याज का कलर मेरा कैसा हो गया है, पिंक हो गया है प्याज का कलर। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है और कम भी फ्राई नहीं करना है इस प्याज को। और प्याज फ्राई होने के प्याज और अदरक फ्राई होने के बाद फिर हम लोग इसमें सोयाबीन बरी को जो काट के रखे थे उसे मैं डाल दी हूँ और डाल के फिर मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। और तेल ज़्यादा ही डालना है क्योंकि सोयाबीन भी हमारा तेल एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक जितनी आपको ज़रूरत है, और क्योंकि चावल में भी नमक है तो वो ध्यान में रख के ही आप लोगों को नमक डालना है। और यहाँ पे मैं गोल मरीच पाउडर डाल रही हूँ, गोल मरीच पाउडर यथेष्ट परिमाण में पड़ेगा क्योंकि मैंने कच्ची मिर्च वगैरह नहीं डाला है, तो इसलिए मैं गोल मरीच डाली हूँ। और थोड़ा गुल मरीच डालने से और भी अच्छा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया मेरे घर में स्पाइसेस वगैरह थोड़ा कम ही खाया जाता है इसलिए। और कुछ भी नहीं पड़ेगा इस रेसिपी में, सिर्फ गुल मरीच ही पड़ेगा नमक,
जैसा कि मैं डाली हूँ आप लोग देख ही पाए हैं। और अच्छी तरह से भून चुका है मेरा सोयाबीन और मसाला। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चावल, जितना चावल आप लोगों को ज़रूरत है। और चावल को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और चावल में यदि आप लोगों को मॉइस्चर कम लगे या मतलब ज़्यादा थोड़ा सा कच्चा कच्चा ऐसा लगे कि चावल काफ़ी सख्त है, तो आप लोग जो चावल का पानी स्ट्रेन आउट किए हैं उस पानी को थोड़ा सा आप लोग आधा कप या थोड़ा सा डाल ही सकते हैं यदि आप लोगों को ज़्यादा ड्राई लग रहा है चावल तो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू, पाती नींबू का रस। मैंने गैस बंद कर दिया है, चावल मेरा मतलब चाइनीज़ बिरयानी कम्प्लीटली डन है। मैंने नींबू डाला है ऊपर से, आधा नींबू मैं डाली हूँ इतने चावल में, और आप लोगों को एक्स्ट्रा नींबू लगे तो ऊपर से ले ही सकते हैं। मेरे बेटे को ऊपर से एक्स्ट्रा नींबू लगता है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा नींबू दे देती हूँ, लेकिन हम लोगों के लिए आधा नींबू इतने चावल में यथेष्ट है। और मैं अच्छी तरह से मिक्स करके बस मेरा चाइनीज़ बिरयानी रेडी हो गया है। और आप लोग खाए खिलाए सबके साथ ये शेयर करें, बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये, एकदम यूनिक रेसिपी है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है ये। ओके बाय फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा।